एवरीवन, दिस इज़ जेसिका एंड ये वीडियो एक ब्लॉग होने वाला है जिसमें मैं दिखाऊंगी कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में परस्यू कर रही हैं बीएससी को फाइंडिंग डिस्टेंस एजुकेशन वो कैसा होता है एंड स्पेशली ये म्यांमार में है तो पता नहीं ये मेरी ऑडियंस कहाँ से देखने वाले हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग कहाँ से हो। सो मैं जेसिका हूँ, मैं म्यांमार से बिलोंग करती हूँ एंड आगे आप देखेंगे हम कैसे बस से जाएंगे, वो एक दूसरे सिटी में हैं तो वहाँ पर हम कैसे रहते हैं, कहाँ पर यूनिवर्सिटी हैं, म्यांमार के वन ऑफ द यूनिवर्सिटी कैसे दिखते हैं, स्टूडेंट्स कैसे पहनते हैं, उनका ड्रेसेस कैसा होता है ट्रेडिशनल वाला, सो एवरीथिंग मैं आपको दिखाऊंगी आगे इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। या सो मैं वापस आ गई हूँ, अभी मैं टेरेस पे हूँ, मैं अपने कुछ सामान लेने आई थी एंड अभी मैं पूरा नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ, लंच भी कर लिया है बट अभी जाने में समय है, अभी सिर्फ 1:20 हुआ है, अप्रॉक्स हमें 3 या फिर 4 को बस मिलती है तो ऐसे ही रेडी होकर रहेंगे। तो ओवरऑल लुक ये ऐसा है, एक स्कर्ट के साथ एक टी शर्ट एंड जस्ट अ जैकेट, दिस दैट्स इट। लड़की को ना कुछ अलग ही स्ट्रगल होता है, मेरा पैकिंग अभी तक नहीं हुआ, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, लिटरली हर हफ्ते हमें 2 घंटे पैकिंग करने पड़ते हैं, फ्राइडे को जाना होता है तो थर्सडे रात को करते हैं, तो थर्सडे रात को मैं और नीनी मेरी सिस्टर हैं जो मेरे साथ ही पढ़ती हैं तो दोनों का 2 घंटा लगता है, हमारा भी दिमाग ख़राब हो जाता है, इरीटेट होने लगते हैं, ये इतना क्यों समय लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, ये पिछले हफ्ते ही तो पहना था, अगले हफ्ते क्या पहनूंगी, अगर इस हफ्ते ये पहन लिया तो ओह माय गॉड, फिर वेदर का भी ख्याल रखना पड़ता है। इन सारी बातों को बॉयस बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाएंगे मुझे पता है, क्योंकि लाइक उनको तो रेडी होने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं, 15 मिनट आधा घंटा तो मैक्सिमम होगा लड़कों के लिए, बट अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है तो वो तो पक्का रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो से। तो अभी 3 PM को शायद हमें बस मिलेगी तो हाँ मैं और नीनी निकलेंगे दोनों साथ में एंड उस वक्त ही मिलते हैं बस में। फाइनली हम टांगों सिटी पहुंच चुके हैं एंड आप देख पा रहे होंगे मेरी शक्ल पे कितनी थकान है, कुछ बिजनेस से रिलेटेड पैसे देने थे तो वॉक करके जाना पड़ा, बहुत बहुत दूर पे जगह थे एंड अभी कपड़े लेने जाना है जो पिछले हफ्ते सिलाई के लिए दिया था, ट्रेडिशनल ड्रेस फेयरवेल के लिए एंड नीनी के लिए भी कुछ ख़रीदना है तो अभी बहुत वॉक करना बाकी है। इससे आगे तो ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाऊँगी, डायरेक्टली मैं कल मिलती हूँ यूनिवर्सिटी में, सो सी यू देयर। आई एम कितना पिट बोल रहा, तो मैं आ गई हूँ, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं एंड मैं हूँ नीनी के साथ, मैं जिसके बारे में हमेशा बात करती रहती हूँ ये है मेरी सिस्टर, मैं इसके साथ ही पढ़ती हूँ। तो अभी जा रहे हैं, थोड़ा बहुत टाइम था तो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, कुछ खाएंगे फिर हम यूनिवर्सिटी आएंगे। अब खाने को दिखा रही हूँ ये नीनी जो फ्रस्ट्रेट हो रही है मेरे ब्लॉगिंग से, कोई ऐसे ही शूट करना पड़ेगा। अब दिखा 6:30 को अराउंड वो कार निकलेगी एंड ये यूनिवर्सिटी सिटी के बाहर है तो यूनिवर्सिटी ने एक फेरी कार अरेंज कर देते हैं जिसमें हम 30 स्टूडेंट साथ में बैठ के जाते हैं वहाँ तक, जिनके पास बाइक नहीं होता, तो मेरे पास भी बाइक नहीं है तो मैं यूनिवर्सिटी कार में बैठ के जाऊँगी। 20 ओके ठीक है बाबा, तो 15 मिनट लगते हैं वहाँ तक पहुँचने में। हमारी क्लासेस 8:10 से 8:10 से स्टार्ट होगी, फिर 2:40 तक इतने तक चलने वाली हैं, तो बीच में भी आपको मैं कॉलेज में मिलूँगी। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों Thank you.
सो मैं अभी अपनी क्लास के बाहर के बालकनी में से ये वीडियो शूट कर रही हूँ एंड व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. आई वुड लव टू शो यू दैट. एंड ये हमारा क्लासरूम है. सो दैट्स द व्यू. एंड कुछ ही देर में क्लास भी स्टार्ट होने वाली है एंड मतलब सोने का समय आने वाला है. इतना बोरिंग होता है इंग्लिश के अलावा हर क्लास में मैं सोती रहती हूँ. नीनी भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है मुझसे यार. अगे सी यू इन क्लास. तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा. मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगता न जिया तेरे बगैर. तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा. मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा. तू मान मेरी जान. हेलो गाइस. सो मैं कुछ समय पहले ही घर आई थी यूनिवर्सिटी से अंकल के घर एंड अभी लंच करके याद आया कि अब वीडियो को एंड करते हैं, ब्लॉग को एंड करते हैं. काफ़ी लंबा हो चुका है, कल भी पढ़ने जाना है, बट यही सारी चीज़ें सेम होने वाली थी जो सोचा एंड करते हैं. एंड अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है एंड मुझे पता है मैंने गलतियाँ भी बहुत करी होंगी. वॉइस उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, अच्छा नहीं है वीडियो क्वालिटी भी, बट ये मैं टाइम के साथ इम्प्रूव कर पाऊँगी. अगर आपको पसंद आई ऐसी वीडियोज़ तो अगर आप बताओगे मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाइक करके या फिर, तो तभी मैं और वीडियो बना पाऊँगी और इम्प्रूवमेंट हो पाएगा. आप इससे बेहतर वीडियोज़ देख पाओगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा. आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. एंड अगर आपको पसंद आया तो बताइएगा, उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं अगली वीडियो बनाऊंगी. टिल द टाइम सी यू.